गाइज वेलकम और वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी, होप यू आर डूइंग गुड। और अभी हम लोग हैं अपने इसी वाले घर पे, हम लोग गए नहीं हैं। और क्या हाँ सच में बहुत ज्यादा टेस्टी खीर बनाई है जयश्री ने आज। फर्स्ट कुकिंग बाय जयश्री। हम लोग दूध गर्म करके आ गए थे और इसने पूरे ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाई है। कैसे बनाई जयश्री? अच्छा तो बताओ रेसिपी जानना चाहते हैं हम लोग। कुछ नहीं, उसमें ड्राई फ्रूट्स थे और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स खोआ डाली थी। ये दूध में शुगर, खोआ और ड्राई फ्रूट्स डाले थे जयश्री ने। स्पेशल खीर बनाई थी और मम्मी यहाँ सबको निकाल के दे कभी प्रसाद कभी कुछ कभी कुछ बोले आया वहाँ पे। और जयश्री यहाँ पे ये देखिए रील बनाने चले गई। जय बना रही थी तो आगे से वही चले गए बनाने के लिए। और आज सब लोग येलो येलो थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम येलो येलो वाइब। शुभ इवन हमारे कान्हा जी की ड्रेस भी येलो कलर की थी। और ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी घर कंप्लीट हो जा रहा, तो हम लोग यहाँ पे रहने लगे सच में गाइज। मतलब अब तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। क्यों मम्मी, अब वेट नहीं हो रहा ना? अब लग रहा जल्दी से बन जाए तो आके रहने लगे है ना। अब बस इसी उसी दिन का इंतजार है। हाँ मम्मी अभी इसको ही नहीं पी, इसको पी लो पहले। ये प्रसाद देने गए हैं बाहर, आप भी तो लीजिए मम्मी। अच्छा पी रहे ना? कैसी बनी मम्मी? टेस्टी है ना? ड्राई फ्रूट की खीर है ना? हाँ पापा जी कैसी बनाई जयश्री खीर है ना? हाँ ज्यादा मीठी नहीं है, अच्छी है, सोंधी सोंधी बहुत टेस्टी है ना। और ले लीजिए, और इतनी टेस्टी चीज है तो और खाइए, मजा आ गया गाइज। ये देखिए अभी फॉल सीलिंग के लिए इतना हुआ है ना। मीठा खा रहे हैं यार, ज्यादा मीठा भी नहीं है। बहुत अच्छा, सबका प्यार डाला है ना इसमें। ये देखिए की ड्राई फ्रूट, काजू बादाम नहीं मम्मी बस। ज्यादा मीठा नहीं पापा जी, हाँ मीठा नहीं है। ये देखिए गाइज, मतलब कि कितनी अच्छी लड़की है ये, सब ये संस्कारी प्यारी सी बच्ची। अभी पूजा हुई है और ये खीर बनाने के बाद जो दूध उफनाया हुआ था उसका पोछ रहे हैं। यार बताओ यार कितनी अच्छी बच्ची मम्मी, जो लड़की ने कहीं पे किचन में साफ सफाई नहीं करी हुई, यहाँ कर रही है। बताओ ये क्या था भैया? हाँ ये क्या था? ओए देखिए गाइज, और ये हमारा न्यू गेस्ट। वाओ, जब हमारा पूरा ये मतलब फॉल सीलिंग यार क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलर किचन हो जाएगा है ना, तब ये उसका मैचिंग रहेगा, इसलिए हमने इसको लिया है ना। कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारे जो कलर हम करवा रहे हैं फर्नीचर का उसमें। मतलब ये बात तो सच है कि अभी इसमें इतनी खुशी मिल रही है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कैसा लगेगा। यस और हमने पहले पूजा इसलिए कर ली, वैसे तो आप लोगों को मैं हम पहले भी व्लॉग में बता चुके होंगे, बट जो अभी पहली बार देख रहे हैं इस व्लॉग को, तो इसलिए कर ली हमने पहले पूजा, बिकॉज अभी नवरात्रि चल रही है और अभी मुहूर्त था इस चीज़ का कि क्या कहते हैं अभी पूजा कर लेनी चाहिए हमें, लेकिन फिर से हम एक बार जरूर करेंगे यहाँ पे अच्छे से गृह प्रवेश। हाँ उस समय तो बहुत ही ज़्यादा रौनक आएगी, बहुत रौनक आएगी। नमो ब्रह्मण देवाय, नमो ब्रह्मणताय च जगद्गुरुवे कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ब्रह्मणे नमो नमः।
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षारिष्ठो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। सुख समृद्धि प्रगति उन्नति विनताय पारशर गोत्र ब्राह्मण ग्राम दक्षिणा वस्त्र महम महर्जे एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी, होप यू आर डूइंग गुड। एंड आप सभी को आज है हनुमान जी का जन्म उत्सव, तो आप सभी को हम सभी की साइड से शुभकामनाएं। और आज का माहौल कुछ अलग ही लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और आप सभी को पता है कि हमारे घर के सामने है मंदिर, तो कोई भी फंक्शन होता है ना, तो मतलब यहाँ की वाइब ही पूरी अलग हो जाती है। मतलब घर के अंदर तक बिल्कुल इतना अच्छा लगने लगता है ना। अभी हवन हुआ है यहाँ पे, तो उसकी महक यहाँ तक घर तक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, मतलब अभी मंदिर में आरती हुई है जस्ट, तो मम्मी लोग हैं अभी मंदिर में ही। बहुत सुंदर लग रहा था आज मंदिर सजा हुआ था, तो अभी तो खैर पूरा वो पर्दे वगैरह ऊपर कर दिए उन लोगों ने, तो पूरा वो लुक चला गया उसका, बट अच्छा लग रहा था अंदर साइड में। गाइस इधर बन रहा है हमारे यहाँ भंडारे का खाना, ये देखिए सारे लोग मिल करके बना रहे हैं। मतलब जो हलवाई लोग आए हुए हैं ना, वो लोग बना रहे हैं, और यहाँ पर ये परोस रहे हैं खाना। सो यहाँ पे हो गया है अब खाने का टाइम, तो धीरे धीरे लग रहा है खाना भी, जितनी चीज़ें आ गई उस पर खाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जय अभी आ गई कोचिंग से, और उधर बैठी हुई है मम्मी लोग, देखो इधर मम्मी। हाँ पापा उधर बैठे क्योंकि जेंट्स लोग के लाइन उधर लगी हुई थी। ये दिखते चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। और ये लग गए हैं सेवा में, कहाँ है अभी दिख नहीं रहा। वो देखिए वो आ गए भैया, ए भैया खीर सो आज के प्रसाद में है खीर, बूंदी का रायता जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, और छोले की सब्जी है, मिर्ची है, सेव है, कद्दू की सब्जी है, सैलेड है, पूड़ी है, मसाला पूड़ी है, मतलब वो कचौड़ी जैसी जो बनती है ना वो है, एंड राइस है, ज़ीरा राइस। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था।